अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स वेलकम टू इस्लाम हाई स्कूल भलवाल ऑनलाइन क्लासेस दिस इज़ योर मैथ क्लास एंड आई एम योर मैथ टीचर एस एन रियाज हाउ आर यू स्टूडेंट्स आई होप यू ऑल विल बी हैप्पी सेफ एंड फाइन स्टूडेंट्स हम मैथ के लेक्चर में आज एक्सरसाइज 1.1 करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को हमने कल वाले लेक्चर में डिफाइन किया किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर उसकी रोज और कॉलम से स्पेसिफाइज हो सकता है तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स स्पेसिफाइज इट्स ऑर्डर लेट्स हमने सपोज किया था कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसमें एम रोज है और एन कॉलम्स है तो उसको जो आर्डर होगा उसको हम एम बाई एन से लिखें लेट्स सपोज हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड एट इसमें अगर हम रोज़ चेक करें जीरो वन टू फर्स्ट रोज थ्री फोर एंड फाइव सेकेंड रो सिक्स सेवन एट थर्ड रो तो इसमें थ्री रोज हैं तो हमने m इज इक्वल टू थ्री लिख दिया और कॉलम्स चेक करें तो जीरो थ्री एंड सिक्स फर्स्ट कॉलम वन फोर एंड सेवन सेकेंड कॉलम टू फाइव एंड एट थर्ड कॉलम तो इसमें टोटल थ्री कॉलम्स हैं तो एन को एन इज़ इक्वल टू हमारे पास थ्री आ गया अब अब जैसा हमने ऊपर पढ़ा कि आर्डर को एम बाई एन से लिख सकते हैं तो इट्स आर्डर इज एम बाई एन मीन्स थ्री बाई थ्री अब हम बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ एक्सरसाइज 1.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे आपके सामने है ए इज इक्वल टू टू माइनस फाइव थ्री एंड सिक्स इसमें अगर हम रोज चेक करें टू एंड थ्री फर्स्ट रो माइनस फाइव एंड सिक्स सेकेंड रो मीन्स इसमें टू रोज हैं तो एम इज इक्वल टू टू कॉलम देखें टू एंड माइनस फाइव ये फर्स्ट कॉलम थ्री एंड सिक्स सेकेंड कॉलम तो इसमें टू कॉलम्स हैं तो एन इज इक्वल टू टू सो आर्डर ऑफ ए इज टू बाई टू इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं तो डी इज इक्वल टू फोर जीरो एंड सिक्स अगर इसमें हम रोज देखें तो फोर फर्स्ट रो जीरो सेकेंड रो एंड सिक्स जो है वो हमारे पास थर्ड रो है ठीक है तो इसमें टोटल रोज जो हैं वो थ्री हैं तो एम इज इक्वल टू थ्री अब अगर हम कॉलम चेक करें तो फोर जीरो एंड सिक्स ये एक ही कॉलम है तो एन इज इक्वल टू वन सो ऑर्डर ऑफ डी इज थ्री बाई वन नेक्स्ट क्वेश्चन इज इक्वल टू ए डी बी ई एंड सी एफ अगर हम इसमें रोज कॉलम रोज और कॉलम को चेक करें तो इसमें सबसे पहले हमारे पास जो फर्स्ट रो है वो ए डी फर्स्ट रो है बी ई सेकेंड रो है एंड सी एफ थर्ड रो है तो इसमें तो, टोटल जो रोज हैं वो थ्री हैं तो एम इज इक्वल टू थ्री अगर हम कॉलम चेक करें तो ए बी सी फर्स्ट कॉलम डी ई एफ सेकेंड कॉलम मीन्स इसमें टू कॉलम्स हैं तो एन इज इक्वल टू टू सो ऑर्डर ऑफ ई इज थ्री बाई टू हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है एच इज इक्वल टू टू थ्री फोर वन ज़ीरो एंड सिक्स अगर हम इसमें अपने रोज और कॉलम्स को चेक करें टू थ्री एंड फोर यह हमारे पास फर्स्ट रो है वन ज़ीरो एंड सिक्स ये हमारे पास सेकेंड रो है तो रोज इज इक्वल टू 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 रोज हैं तो एम इज इक्वल टू टू कॉलम्स देखते हैं तो टू एंड वन हमारे पास फर्स्ट कॉलम है थ्री एंड ज़ीरो सेकेंड कॉलम है फोर एंड सिक्स ये हमारे पास थर्ड कॉलम है तो इसमें हमारे पास टोटल थ्री कॉलम्स है तो एन इज इक्वल टू थ्री सो ऑर्डर ऑफ एच इज एम बाई एन एंड एम इज इक्वल टू टू एंड एन इज इक्वल टू थ्री सो ऑर्डर इज टू बाई थ्री स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का काम हम आप लोगों ने क्या करना एक्सरसाइज वन पॉइंट वन का क्वेश्चन वन के question काफ़ी सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं बाकी के जो रह गए हैं वो आपने ख़ुद प्रैक्टिस करनी है और ये सारे क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस करने के बाद अपनी नीट कापियों पे नीट करके लिखने भी हैं तो ये हमारी आज की डायरी है पेज नंबर फाइव एक्सरसाइज वन पॉइंट वन क्वेश्चन नंबर वन कंप्लीट राइट है थैंक यू अल्लाह हाफिज़